मैं हूं हमाद अली और हमारा कोर्स जावा फॉर बिगिनर्स का आज का टॉपिक है जावा वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। जावा नेमिंग वेरिएबल कन्वेंशंस कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशंस हैं जो कि जावा कम्युनिटी उनको फॉलो करती है और इसका हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है उस सूरत में कि हम कोड को सिर्फ रीड करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है ये किस किस्म का कोड लिखा हुआ है, इसके वेरिएबल की टाइप क्या है, ये फंक्शंस हैं या ये क्लासेस हैं। तो इससे हमें काफ़ी हद तक कोड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है। सबसे पहली कन्वेंशन ये है कि वेरिएबल का नाम जो है वो कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, वेरिएबल किसी ना किसी अल्फाबेटिक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, वेरिएबल के जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, डॉलर साइन और अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। लेकिन वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी ना किसी अल्फाबेटिक कैरेक्टर से या डॉलर या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि हम अपने वेरिएबल का नाम किसी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर से स्टार्ट। वेरिएबल के नाम कैमल केस में लिखे जाते हैं। कैमल केस से मुराद ये है कि किसी भी वेरिएबल का जो नाम है उसका जो नाम स्मॉल कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे और बाकी भी कैरेक्टर सारे स्मॉल होंगे। हाँ, अगर एक वेरिएबल का नाम एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बन रहा है तो नेक्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल के जो नाम है वो मीनिंगफुल होने चाहिए, जिससे अंदाज़ा हो रहा हो कि वेरिएबल एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे वेरिएबल नेम जो कि सिंगल कैरेक्टर पे बेस करते हैं जैसे ए बी सी एक्स वाई जी आई जे के, इस तरह के वेरिएबल्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास टेम्प्रेरी वेरिएबल्स हैं जिनको हमने किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करना है और उसके बाद उनको ज़ाया कर देना है तो फिर हम उन वेरिएबल्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी ऐसे वेरिएबल्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो कि सिंगल कैरेक्टर के वेरिएबल हैं। वेरिएबल के नाम कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, शॉर्ट हो और मीनिंगफुल भी हो। लेकिन जो कॉन्स्टेंट है वो इससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमारे पास जिस तरह के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैजिक नंबर्स आ जाते हैं जो कि हमें समझ नहीं आती कि एक्चुअली ये नंबर हमने यहाँ पर लिखा है तो क्यों लिखा है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बाज़ दफ़ा हमें एक वर्ड से ज़्यादा भी रिक्वायर हो। तो कॉन्स्टेंट के जो नाम है वो आम वेरिएबल के मुकाबले में थोड़े से लेंथी होते हैं और कॉन्स्टेंट के जो वेरिएबल का नाम है उसके तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं। और अगर उसके अंदर भी अगर एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस कॉन्स्टेंट के अंदर हमारे पास जो नाम है उसका लेंथी हो जाता है। मोर देन वन वर्ड्स पे से बिलोंग करता है तो उसके लिए फिर हम उनको अंडरस्कोर के साथ सेपरेट करते हैं। यह हमारे पास कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट है और कीवर्ड्स से मुराद ये है कि ये वो कमांड्स हैं या ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको जावा कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है, और चूंकि इनको अंडरस्टैंड करता है तो इनके अगेंस्ट वो कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म। इन नामों के साथ हम किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, असर्ट, बुलियन, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, हम इनमें से किसी भी नाम को किसी वेरिएबल के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी है कि जावा के जो है वेरिएबल नेम वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर आपने कोई एक वेरिएबल कैपिटल लेटर में लिखा है और दूसरा वेरिएबल आपने स्मॉल लेटर में लिखा है तो जावा इनको दो डिफरेंट वेरिएबल में डिस्टिंग्विश करेगी। इसीलिए जितने भी हमने कीवर्ड्स देखे हैं अगर ये स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखे हुए हैं तो हम अगर कैपिटल कैरेक्टर में अगर इन्हीं कीवर्ड्स को लिखते हैं तो जावा इनको वेरिएबल एक्सेप्ट कर लेगी। अगर हम इनमें से किसी एक करेक्टर को भी कैपिटलाइज कर दें तो ये तब भी जावा इसको डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट कीवर्ड कंसिडर करके उसको वेरिएबल एक्सेप्ट कर लेगा। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।